दोस्तों, एक पति ने अपनी सोती हुई पत्नी के कुल्हाड़ी से हाथ काटे और फिर उंगलियां भी काट दी। और दोस्तों, उसके बाद वह उसके पास बैठकर माथे पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो अपने आप को एक शांत सरोवर के जैसा बनाओ। कोई अगर उसके अंदर अंगारा भी फेंके तो वह उसमें डूबकर शांत हो जाए। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के चौरैया से। मध्य प्रदेश के चौरैया में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम था बंसीधर और पत्नी का बदला हुआ नाम संतोष था। दोस्तों, वह आराम से अपने घर में रहा करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। उनके दो बच्चे थे, एक लड़का था जो कि 20 साल का था और एक लड़की थी जो कि 17 साल की थी। लड़का बाहर कमाने के लिए जाया करता था और उनका अच्छे से भरण पोषण हो रहा था, काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई पैसों की तंगी नहीं थी। और जो बंसीधर है वह भी कमा कर लाया करता था। लेकिन दोस्तों, उनके बीच में आपस में बात बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था। छोटी छोटी बातों को लेकर उन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में रोज रोज झगड़ा हुआ करता था। और उनका जो बेटा होता है वह बाहर कमाने के लिए जाता है और घर में सिर्फ उनकी बेटी होती है जो 17 साल की है और दोनों पति पत्नी रहा करते हैं। तो जैसे उनका झगड़ा होता है तो उनकी बेटी उनके बीच में बीच बचाव करवा दिया करती है। लेकिन उनका रोज रोज का झगड़ा बन चुका था। छोटी छोटी बातों को लेकर बंसीधर और उसकी पत्नी के बीच में रोज रोज कलेश हुआ करता था। इसी तरह से एक दिन शाम को बंसीधर और उसकी पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और फिर वह झगड़ा बहुत देर तक चला। उसकी बेटी ने उस झगड़े को शांत करवा दिया और फिर शाम को वो सभी अपने अपने कमरों में सो गए। दोस्तों, जैसी रात होती है, रात को पता नहीं क्या होता है, बंसीधर खड़ा होता है और एक कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी सोती हुई पत्नी के हाथ पर प्रहार करता है। देखते देखते उसका हाथ कट कर गिर जाता है और फिर दोबारा वार करता है, फिर उसकी पत्नी की उंगलियां कट जाती हैं। दोस्तों, उसके बाद फिर से तीसरा वार करता है अपनी पत्नी के सर पर। सर में कुल्हाड़ी लगती तो है लेकिन वो थोड़ी सी हल्की लगती है, उससे उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है, मरती नहीं है। दोस्तों, जैसे उसकी पत्नी के हाथ कट जाते हैं और वह बेहोश हो जाती है तो वह कुल्हाड़ी को फेंक कर उसकी तरफ देखने लगता है और ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ मारकर रोने लगता है और फर्श पर बैठ जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया। दोस्तों, उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी बेटी कमरे में से आती है। वह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के लोग यह चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर उनके घर आते हैं और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और बंसीधर को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछती है कि तूने आखिर अपनी पत्नी का इस तरह से हाल बेहाल क्यों किया। दोस्तों, बंसीधर बताता है कि मैं और मेरी पत्नी के बीच में रोज़ रोज़ कलेश हुआ करता था और मैं गुस्से में आकर मैंने ये कांड किया है। मुझसे यह कांड हो गया। मुझे पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा कांड कर दूंगा, लेकिन मुझसे गुस्से में हो गया, मैं इसको करना नहीं चाहता था। वह रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। तो दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज देती है। तभी दोस्तों मैंने कहा था कि जीवन में अगर खुश रहना है तो अपने आप को शांत सरोवर के जैसा बनाओ। कोई अगर उसके अंदर अंगारा भी फेंके तो वह डूब कर ठंडा हो जाए। दोस्तों, छोटी छोटी बातों के ऊपर हम अपने घर में कलेश किया करते हैं। न जाने कब कौन से समय में वह छोटा सा कलेश बड़े कलेश में तब्दील हो जाए, बड़ी हानि में मोड़ ले ले। तो दोस्तों, कभी भी अपने घर में छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक चिढ़ पैदा होती है और चिढ़ जब किसी के अंदर पैदा हो जाती है तो न जाने कौन सी हानि आपको उठानी पड़ जाए, पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, पुलिस उस बंसीधर को गिरफ्तार कर लेती है, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, क्या बंसीधर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ क्रोध के कारण हुआ था। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहें, कभी किसी पर क्रोध ना करें, प्यार से रहें, शांत सरोवर की तरह रहें, कुछ भी कहे कोई, अपने आप को शांत रखें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।